दोस्तों, जो ये लोहड़ी का टाइम होता है ना, उसमें रेवड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। हल्की हल्की ठंड हो और कड़क कड़क रेवड़ी हो, और वो भी घर पर बनी हो, तो उसकी बात ही कुछ और है। अब घर पर रेवड़ी बनाकर देखना, प्योर बनेगी और सबको बहुत अच्छी लगेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर रेवड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सफेद तिल लिए हैं लगभग 250 ग्राम, और साथ साथ मैंने यहाँ पर देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है। देसी गुड़ से मेरा मतलब ये है कि जो मेरा गुड़ है वो थोड़ा सा डार्क बनेगा। आप अगर केमिकल वाला गुड़ लोगे तो आपका हल्का सा रेवड़ी का लाइट कलर आएगा। बाकी अगर रेवड़ी तो नॉर्मली चीनी में बनती है, तो आप चाहो तो आप चीनी में भी बना सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन गुड़ को आप ऐसे हल्का सा तोड़ जरूर लेना। अब रेवड़ी बनाने के लिए जो ध्यान देने वाली बात यह है, वो है कि गैस आपकी सही होनी चाहिए, यानी कि उसमें लो फ्लेम अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटी वाली गैस में सारी कुकिंग करी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तिल को रोस्ट कर लिया है, और तिल को रोस्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एकदम हल्की आँच पे आपने आराम आराम से इनको रोस्ट कर लेना है, बस ब्राउन होने तक, ताकि जो इनके अंदर मॉइस्चर है वो निकल जाए और जो ये तिल है ये थोड़े से कड़क हो जाए। ये देखो, अभी तो ऐसे हैं कि मैं इनको आराम से पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके ये अपने अंदर गर्मी रिटेन करेंगे। हीट रिटेन जब करेंगे तो धीरे धीरे करके और पक जाएंगे, और हल्का हल्का इनमें देखो कलर आने लग जाएगा। मैं आपको साइड से दिखाऊं तो आप ये देखो हल्का हल्का धुआं भी आने लग गया है। तो बस दोस्तों, आपने इसी स्टेज तक यहाँ पर तिल को पकाना है, हल्का कलर आने तक। ज्यादा ब्राउन मत कर देना, नहीं तो कड़वाहट देने लग जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। फिर इनको साइड में निकाल लेते हैं, रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। फटाफट से यहाँ पर गुड़ को पकाना शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन गुड़ पकाने से पहले थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब गुड़ पक जाएगा ना और तिल डालेंगे तो हमें फटाफट काम करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक पत्थर की सरफेस ली है, अपना जो स्लैब है वो लिया है, उसमें एक प्लास्टिक की शीट काट के थोड़ा सा घी लगा लेना। घी लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपकी रेवड़ी सारी चिपकने लग जाएगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और मैंने आपको बोला है ना कि यहाँ पर पत्थर आपको चाहिए होगा, तो अगर पत्थर है आपके पास तो वो बहुत काम का है, उस पर भी आप घी लगा लेना। ये पत्थर आपका बेस्ट फ्रेंड भी है रेवड़ी बनाने में, और आपका दुश्मन भी यही है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है, अभी आप वीडियो देखते जाओ। फटाफट से यहाँ पर गुड़ को पकाना शुरू करते हैं। मैंने वही छोटी वाली गैस ली है इस बार भी, और अब एक बड़ा सा पैन लिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हो, ताकि जब बुलबुले आए तो गुड़ को पकने की पूरी जगह मिले, इसलिए ऐसी बड़ी कढ़ाई ली है मैंने। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालना, और अब गुड़ को आराम से पिघलने देना, पकने देना। अगर हमें यहाँ पर कड़क रेवड़ी बनानी है तो हमें 3 तार की चाशनी तक पकाना होगा, यानी कि काफी देर तक पकाना होगा। इस प्रोसेस को लगभग 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं दोस्तों, तो थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, और जितना आप आराम आराम से करोगे उतना ही आपको कंट्रोल रहेगा, उतनी ही बढ़िया आपकी रेवड़ी बनेगी। जितनी जल्दबाजी करोगे उतनी ही चीज खराब होने के चांसेस हैं, गुड़ के जलने के चांसेस हैं। आप देखो, थोड़ी ही देर में ये जो गुड़ है ये पिघलने लग गया है, और आप चाहो तो आप गुड़ को एक बार छान भी सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये देखो जैसे गन्ने का रेशा है, कई बार ये रेशे रह जाते हैं गुड़ में, तो आप चाहो तो आप इनको छान भी सकते हो, मैंने नहीं छाना है। जैसे ही बॉईल होना शुरू हो जाए गुड़, आप यहाँ पर घी जरूर डाल देना। घी डालने से जो साइड्स हैं उसमें गुड़ चिपकेगा नहीं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये देखो, अब मैं यहाँ पर सारी कुकिंग दोस्तों मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कर रहा हूँ, बल्कि लो फ्लेम पर ही कर रहा हूँ सारी कुकिंग, क्योंकि मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए गुड़ पे। रीजन ये है, धीरे धीरे करके जब गुड़ में झाग आने लगेगी ना, तब आपने यहाँ पर पूरा ध्यान देना है गुड़ पे। अब ये देखो झाग आ रही है, अभी हम जहाँ पर पहुंचे हैं गुड़ को पकाते पकाते, तो आप ये देखो एक कटोरी में मैंने नॉर्मल पानी डाल दिया है, और अभी जब मैं गुड़ को ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये देखो कैसे सॉफ्ट सा है, सॉफ्ट बॉल सी बन रही है। तो ये दोस्तों फर्स्ट स्टेज है गुड़ की। अभी लगभग 1 तार की चाशनी बन गई है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें यहाँ पर 3 तार की चाशनी बनानी है। तो अभी आप आराम से पकाते जाना, रुकना हमारा काम नहीं है। और ये देखो, हमने क्योंकि यहाँ पर घी डाला है तो साइड में गुड़ ऐसे चिपक नहीं रहा। 5 मिनट और हुए हैं पकाते पकाते, और ये देखो आप सेकेंड स्टेज। अभी जब मैं गुड़ को डाल रहा हूँ तो अब ये बिल्कुल खिंचने वाली स्टेज में आ गई है। ये देखो, अभी थोड़ी देर में और पकाऊंगा ना तो ये कड़क होने लग जाएगी, बिल्कुल पापड़ी की तरह एकदम कड़क कड़क निकल कर आएगी। अब देखो आप, गुड़ का कलर भी चेंज हो चुका है हल्का हल्का, और इसकी धार भी अलग से आ रही है। तो अब अगर मैं आपको पानी में डाल के दिखाऊं तो दोस्तों ये तीसरी स्टेज है, बिल्कुल कड़क पत्थर की तरह निकल कर आ रहा है गुड़।
ऐसा ही हमें चाहिए दोस्तों, यही स्टेज की हम वेट कर रहे थे। और फिर आप यहाँ पर लगभग 1/4 टीस्पून तक बेकिंग सोडा डाल देना। बेकिंग सोडा डालने से खस्तापन आएगा गुड़ में, बहुत फर्क करता है छोटी सी रेसिपी में। मैंने यहाँ पर अब गैस को बंद कर दिया है और फटाफट से सारे तिल को ट्रांसफर कर दिया है। और अब आपने यहाँ पर हाथ बहुत तेज चलाने हैं। आप यहाँ पर अच्छे से तिल को मिलाना, और थोड़ा सा तिल मैंने बचा लिया है ताकि ऊपर की सरफेस पे और लगा पाऊं, या ये देखो आपको दिख रहा होगा। अच्छे से गुड़ के साथ मिलाने के बाद फटाफट से आप इसको ट्रांसफर करना हमारी प्लास्टिक वाली सरफेस में जहाँ पर घी लगा हुआ है, और इसको हल्का सा मल लेना। रेस्ट नहीं करना है यहाँ पर, हाथ एकदम तेज तेज चलाने हैं आपको दोस्तों। थोड़ा गरम गरम में ही यहाँ पर शेप देनी होगी रेवड़ी को, इसलिए हम यहाँ पर मल लेते हैं ताकि हल्का सा एयर कूल हो जाए। और मैंने आपको बोला था ना, ये पत्थर आपका बेस्ट फ्रेंड भी है और यही आपका दुश्मन है। तो आप क्या करना कि थोड़ी देर इसको पत्थर पर रखना। पत्थर क्या होता है, पत्थर थोड़ा ठंडा होता है, जो एक साइड है ना वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, जिससे आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। बस आपने छोटी सी बॉल बनानी है और फिर बॉल को ऐसे प्रेस कर देना है, बस यही करना है दोस्तों। फटाफट से आप पत्थर से हटा जरूर देना, क्योंकि पत्थर क्या करेगा, इसको और ठंडा करते रहेगा, फिर दिक्कत आपको ही आएगी। और बस ऐसे एक एक करके आपकी सारी रेवड़ी बन जाएगी। हाँ, बस पत्थर का ध्यान देना, और अगर घर में कोई साथी मिल जाए या कोई सपोर्ट मिल जाए तो वो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जो बैटर है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है दोस्तों। और अगर आपने इसको फटाफट से नहीं शेप किया, बाद में धीरे धीरे करके इतना हार्ड हो जाएगा कि आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान जरूर देना दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने शेप देनी है। आप रेवड़ी बना रहे हो तो इस बात का ध्यान जरूर देना। अभी रेवड़ी थोड़ी गर्म है, जैसे ही ठंडी हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 घंटे मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ा है, और 1 घंटे बाद अब आप देखो रेवड़ी एकदम कड़क कड़क बनी है ना दोस्तों। और ध्यान रहे, ये गुड़ की रेवड़ी है, चीनी की नहीं बनी हुई, और घर की एकदम प्योर है। आप इसको इस लोड़ी पर बना कर देखना, घर में सब बहुत खुश हो जाएंगे। हैप्पी लोड़ी दोस्तों।